नमस्कार, मैं साक्षी, एम एस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की खास खबर। भाजपा की चुनाव आयोग से शिकायत, बंगाल में हिंदू वोटरों को धमका रहे टीएमसी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर का मतदान हुआ। राज्य के कुछ इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव में धांधली और हिंसा का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के कई गांव में टीएमसी के कार्यकर्ता वोटरों को डरा धमका रहे हैं। इसमें ज्यादातर संख्या हिंदू वोटरों की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी संजय बासु की भी शिकायत की है। बीजेपी ने उन पर पक्षपातपूर्ण रवैये अपनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि उनके स्थानीय नेता मंटू रॉय को राइफल के बट से मारा गया। शिकायत में लिखा गया है कि चुनाव आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर कई कदम उठाए, वोटरों के मन में भरोसा भी बढ़ा, लेकिन संजय बसु ने वोटरों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी नहीं है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि संजय बसु उनके उम्मीदवारों की इमेज भी खराब कर रहे हैं। दरअसल 22 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि आसनसोल से चुनाव लड़ रहे बाबुल सुप्रियो के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की FIR से इनकार कर दिया। AIADMK ने उपचुनाव के लिए घोषित किए चार उम्मीदवार। तमिलनाडु में AIADMK ने 4 विधानसभा क्षेत्रों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा मंगलवार को कर दी। पार्टी की ओर से अरवाकुरी जी विधानसभा सीट से वीवी एथिनाथन को, थिरुवरन कुंडराम से एस मुनंदी को, ओटाप्पीदारम से पी मोहन को और कंधासामी सीट से वीपी सलूर को चुनाव मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में उपचुनाव 19 मई को होंगे। वर्तमान में 234 सदस्य तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 117 के जादुई आंकड़े की जरूरत है। अन्ना द्रमुक के पास 113 सदस्य है। इसे बहुमत के लिए 4 और विधायक की जरूरत है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।